हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन हैबिट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वी से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हैबिट इतने जल्दी नहीं बनती है, या हैबिट बनने के लिए हमें विल पावर इतना नहीं रहता है, या हम लॉन्गर रन तक उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो आई विल गिव यू सम टेक्निक्स जिससे आप अपनी हैबिट और या लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। पहला टिप है टू प्लान शॉर्ट गोल्स। जैसे अपने एक दिन का प्लान बनाया। अभी लॉकडाउन के समय में चलो डिफरेंट होगा, बट रेगुलर समय में जब आप काम कर रहे हो या जब भी आप योर वर्किंग इन योर ओन स्केड्यूल, उस वक्त आप कैसे कर सकते हो कि आपका दिन में यू कैन प्लान योर डे। लाइक एन सुबह उठ के मैं 7 से 8 क्या करूँगी, मैं 9 से 10 क्या करूँगी, मैं 10 से 11 क्या करूँगी। दिस वे वॉट विल हैपन, यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट ऑन डेली बेसिस। ये टिप आपको तब भी हेल्प करता है अगर आपको किसी को आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको अपने आप को उस ब्रेकअप के सिनारियों से बाहर निकलना है। तो दिस इज़ एप्लीकेबल देयर ऑल्सो कि आप अपना डे वाइज गोल सेट कीजिए। धीरे धीरे एक डे का हो गया, फिर सेकेंड डे का हो गया, फिर थर्ड, ऐसे धीरे धीरे आप 21 दिन तक आप फॉलो कीजिए। ऐसे कहा गया है साइंटिफिकली, अगर 21 दिन तक कोई हैबिट फॉलो हो गई, ऑटोमेटिकली यू आर चेंज्ड। तो जैसे समझो किसी को किताबें पढ़ने की हैबिट है, तो आप एक स्केड्यूल बना दो कि मैं शाम को 7 से 8 रोज किताबें पढ़ूंगी। और शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट यू फिक्स योर मोबाइल, आप यूज़ कर सकते हो, रिमाइंडर डाल सकते हो कि मैं 7 से 8 बुक ही पढ़ूंगी। सो डेली यू कैन फॉलो दैट। हाँ, बस इसके लिए आपको लेज़ी नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एकदम क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखना है और फॉलो करना है खुद को। बस कल करूँगी, आज करूँगी, ये सारी चीज़ें मोटिवेट करना है अपने आप को। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज के भी लागू होता है कि अगर आपने प्लान कर लिया कि मुझे एक्सरसाइज करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। लोग जिम क्यों लगाते हैं? बिकॉज दे फील लाइक दैट कि मैं अपना स्केड्यूल रेगुलरली कर पाऊँगा। पर बहुत सारे लोग होते हैं पैसे भरते हैं पर जाते ही नहीं हैं, या कुछ सारे लोग होते हैं कि पैसे भरे इसीलिए जाते हैं और वहाँ टाइम पास करके आ जाते हैं। बट डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है इमोशंस के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर। कंट्रोल रखने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन दिस शॉर्ट टर्म गोल प्लानिंग्स। सेकेंड टिप है, आप अपना कैलेंडर मेंटेन कर सकते हो। जैसे शॉर्ट टर्म को लेके डेली बेसिस के ऊपर अपने अपने आप को प्लान किया, वैसे कैलेंडर के ऊपर आपको टिक करना है कि आज का दिन में मैंने ये समझो आपको स्मोकिंग की हैबिट है, आप अगर आज पूरे दिन में आपने स्मोक नहीं किया है तो यू कैन टिक राइट। और आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, अगर नेक्स्ट डे फिर आपने स्मोक नहीं किया आपको वापस टिक करना है। डे कुछ 15 दिन के बाद आप देखोगे कि आपने 15 दिन स्मोक नहीं किया है। सो दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल इंस्पायर यू, और उससे फिर आपकी हैबिट बनती जाती है। हाँ, पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। सी हैबिट लोग बोलते हैं कि अपने आप को बदलने के लिए हमें अपने आप को पनिशमेंट देना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखो, स्मोकिंग करते वक्त या ड्रिंक करते वक्त लोग बोलते हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आप कम्प्लीटली छोड़ दो और यू कान्ट कम बैक। नहीं, उसको आप कोई भी चीज़ को, अगर आप, दिस इज़ माई टिप नंबर 3, हैबिट बनाने के लिए कोई भी चीज़ को अगर आप धीरे 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 उसको छोड़ोगे तो ग्रेजुअली इट विल बी वैनिश्ड। एक झटके में छोड़ने के लिए जाओगे तो आप अपने आप को पनिश करोगे, अपने आप को पनिश करके यू विल नॉट गेट एनीथिंग। इट्स बेटर कि आप छोटे गोल्स करो, उस गोल को मॉनिटर करो, एंड थर्ड इज़ दैट आप उसको अपने आप को कंट्रोल करो, एंड देन आप एक साथ मत छोड़ो, धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हो। इवन इफ यू आर इन लव विद समवन एंड इफ यू फील लाइक यू आर फीलिंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्सन, आप उसको धीरे धीरे अपने आप से दूर कर सकते हो। अगर आप एक झटके में उसको दूर करोगे अपने आप से, तो उस पर्सन को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी।
इट्स बेटर कि आप धीरे 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 बातें कम करती जाइए। जब बातें कम करते जाओगे और अपने आप ग्रेजुअली आपको ऐसे करना है कि अभी मैं ये कम कर रही हूँ पर दूसरी जगह पे बढ़ाना है, मतलब नेगेटिविटी कम कर रही हूँ और पॉजिटिविटी बढ़ाना है, तो अपने आप को एक्यूपाय रखना है, नॉट थॉटली बट अपने वर्क में। कोई पैशन लेना है, कोई हॉबी लेनी है, या अपने करियर की तरफ आपको सोचना है, या आप कोई ऐसा है कि जिसको आप करना चाहते थे पर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, या आपके पास मोटिव नहीं था, या आपको ऐसा लगता था कि मैं ये कर नहीं पाऊँगी, तो अपनी पूरी इमोशंस, पूरी स्ट्रेंथ आप उसमें लगा दो। आई एम श्योर दैट आप उसको अचीव कर पाओगे। सो ट्राई दिस ट्रिप्स एंड डू लाइक मी आउट, सब्सक्राइब मी, एंड हम मिलते रहेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।